नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। दिनभर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ मुख्य खबरों का, तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 13 साल की नाबालिग ने एक बच्चे को जन्म दिया है। बताया जा रहा है कि 8 महीने पहले 35 साल के आरोपी ने डरा धमका कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। नाबालिग के पेट में दर्द होने पर परिजन जब उसे सुशीला तिवारी अस्पताल ले गए तो तब नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्यवाही की है। कोतवाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें एसओजी और कोतवाली पुलिस के द्वारा मंडी चौकी प्रभारी गुलाब सिंह कंबोज ने 68 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आज खुलासा करते हुए क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि ये व्यक्ति काफी लंबे समय से स्मैक का कारोबार कर रहा था। वहीं पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। हल्द्वानी में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। वहीं बजरंग दल के जिला संयोजक ने कारढुंगी चौराहे पर हनुमान चालीसा पाठ करते हुए कांग्रेस का पुतला दहन किया। साथ ही कांग्रेस पार्टी पर कई आरोप भी लगाए हैं। कहा कि आज जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने और कांग्रेस पार्टी के द्वारा बजरंग दल को एक आतंकवादी संगठन के नाम से घोषित किया है, उसका विरोध पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है और हम ये मांग करते हैं कि ऐसी पार्टी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। हॉर्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पहले सर्वे में हल्द्वानी शहर में तिकोनिया चौराहे से नवीन मंडी और कारढुंगे चौराहे से मुखानी तक प्रस्तावित दोनों फ्लाईओवर को पास कर दिया गया है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक शहर की सड़कों पर 80% स्थानीय वाहनों का दबाव है। ये दबाव को कम करने के लिए फ्लाईओवर बनाया जाना जरूरी है। मुखानी में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवती का पर्स झपट लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। भवानीपुरम निवासी कंचन का कहना है कि वो 26 अप्रैल को एक बर्थडे पार्टी में जा रही थी। इस दौरान बाइक सवार दो युवकों ने पीछे से झपट्टा मारकर उसका पर्स छीन लिया और फरार हो गए। बताया कि पर्स में जरूरी दस्तावेज और 12,000 रुपए थे। शादी समारोह में जाने के कारण वो मुकदमा दर्ज नहीं करवा पाई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हल्द्वानी की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।